A very good morning to all. So what we'll do today? Today we'll start with a new lesson, lesson number 3 of English, A Brand New Smile. First of all, open your books. You have to open page number 15 in your book. Which page? Page number 15 in your English book. Open page number 15 in your book, lesson number 3, A Brand New Smile. We'll start with a new lesson number 3, A Brand New Smile. In the last class, we have completed the lesson number 2. सिद्धार्थ स्वान हमने लेसन नंबर 2 सिद्धार्थ स्वान कंप्लीट किया था. आज हम क्या करेंगे? आज हम लेसन नंबर 3 अ ब्रांड न्यू स्माइल की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन फिनिश करेंगे. इसके लिए आप अपना लेसन नंबर 3 ओपन करिए बुक में, पेज नंबर 15. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. रिपीट आफ्टर मी. द अलार्म रैंग एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. Mala woke up. She jumped out of her bed. She was getting late of her school. What is written? It is written that सुबह के 7 बजे हुए थे और अलार्म जो हम लगा के सोते हैं सुबह उठने के लिए, तो वो अलार्म की जो बेल थी वो रैंग होना स्टार्ट हुई. माला एकदम से अपने बेड से उठी और जंप लगा के उठी और उसने क्या बोला? ओह शिट, आई एम गेटिंग लेट फॉर माय स्कूल. क्या हुआ है? मैं अपने स्कूल के लिए लेट हो गई हूँ, क्योंकि उसको स्कूल जाना था और सुबह 7 बज चुके थे और वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी. जैसे हम सबका होता है कि हमको सुबह स्कूल जाना है तो हम अलार्म लगा के सोते हैं. जैसे ही अलार्म बजा और माला उठी और उसने देखा कि क्या हुआ है, कि वो स्कूल के लिए लेट हो गई है. देन क्या हुआ? माला, गुड मॉर्निंग मम्मा. क्या हुआ? जो माला की मदर थी वो उसके रूम में आई. माला ने उनसे क्या कहा? गुड मॉर्निंग मम्मा. देन व्हाट मम्मा सेड? हर मदर सेड, गुड मॉर्निंग, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड देन गो, हरी अप. व्हाट हर मदर सेड? हर मदर सेड, गुड मॉर्निंग, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, तुम अपने स्कूल के लिए लेट हो गई हो, अब जल्दी जल्दी उठो, गेट रेडी, अपना ब्रेकफास्ट करो एंड देन जल्दी जल्दी आप अपने स्कूल के लिए जाओ, अदरवाइज आप लेट हो जाओगे. देन व्हाट हैपेंड? Mala bit into the toast and cried out in pain. Mother, look, my tooth is bleeding. She felt it with the tip of her tongue. Then kya hua? Pura ready ho ke jaise hi Mala apna breakfast karne aayi, usne ek bite liya apne toast ka. Usne kya feel kiya? Ki uske tooth mein kya ho raha hai? Usse pain ho raha hai, dard ho raha hai. Usne bola apni mother se, mother, देखो मेरे टूथ से क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है. उसने ब्लड निकलना कैसे फेल्ट किया? उसने अपने टंग से फेल्ट किया, फील किया कि उसके टूथ से क्या निकल रहा है? ब्लड निकल रहा है. देन व्हाट मदर सेड? मदर सेड, डोंट वरी, इट विल फॉल ऑफ. माला जंप्ड एंड ट्राइड टू ट्विस्ट इट बट द टूथ डिड नॉट फॉल आउट. देन व्हाट? When Mala said to her mother that my tooth is bleeding, I felt it with the tip of my tongue, her mother replied that maybe it was falling, क्योंकि वो टूटने वाला होगा, तुम वरी मत करो, परेशान मत हो, वो अपने आप टूट कर निकल जाएगा. तो माला क्या करी? माला बहुत उस टूथ को ट्विस्ट करने लगी, हिलाने लगी और बहुत कोशिश करी कि वो उसको किसी तरह से निकाल सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो टूथ उससे नहीं निकला. देन व्हाट हैपेंड? माला टोल्ड अबाउट हर टूथ टू हर फ्रेंड्स. दे गिव देयर ओन सजेशंस. अलोक सेड, अब क्या हुआ? माला अब स्कूल गई, उसने अपने फ्रेंड्स को भी अपने टूथ के बारे में बताया कि मेरा टूथ जो है वो आज बहुत पेन कर रहा है, उससे ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है. तो जो उसके फ्रेंड्स थे सब अपने अपने सजेशंस देने लगे उसको कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो. तो वन ऑफ हिज फ्रेंड नेम अलोक, अलोक उसका एक फ्रेंड था, उसने उसको क्या सजेस्ट किया? ही सेड दैट दे शुड टाई अ स्ट्रिंग टू द टूथ एंड पुल इट आउट. क्या बोला उसने? कि तुम एक स्ट्रिंग लो और उस स्ट्रिंग से अपने दांत को क्या करो? पुल आउट, खींचने की कोशिश करो. ऐसा करने से मे बी तुम्हारा दांत क्या हो जाए? निकल जाए. व्हाट नीना सजेस्टेड? नीना सजेस्टेड दैट माला शुड च्यू समथिंग हार्ड. व्हाट नीना सजेस्टेड? वन ऑफ अवर फ्रेंड नीना सजेस्टेड दैट तुम क्या करो? कोई हार्ड चीज खाने खाओ, कोई हार्ड चीज च्यू करो. ऐसा करने से तुम्हारा जो टूथ है वो टूट जाएगा. देन ओ नो क्राइड माला, आई विल रादर हैव माई शेकी टूथ. क्या बोला? नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, ये सब करने में क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा, इससे अच्छा है कि मैं अपना ऐसे शेक हिलता हुआ टूथ के साथ ही आज पूरे दिन रह लूँ. देन व्हाट हैपन? आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल शी गॉट इन टू द बेड इन हर स्कूल यूनिफॉर्म क्राइंग विद पेन. क्या हुआ? इसके बाद स्कूल ओवर हो गया, जो माला थी वो अपने घर वापस आई और वापस आते वो अपने बेड पर जाके लेट गई और रोने लगी, क्योंकि उसका जो टूथ था वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था. देन हर मदर टोल्ड हर टू चेंज हर क्लोथ्स. वॉट हर मदर सेड? उसकी मदर उसके रूम में आई, उसकी मदर ने उससे कहा कि बेटा कपड़े चेंज कर लो. फिर एज शी वॉज चेंजिंग हर शर्ट वुड नॉट कम ऑफ
एज इट वॉज स्टक एट द नेक. अब जैसे वो अपने जो क्लोथ्स थे वो चेंज करने लगी, स्कूल की यूनिफॉर्म उतारने लगी, चेंज करने लगी, जो उसका स्कूल यूनिफॉर्म में शर्ट था वो शर्ट कहाँ के स्टक हो गया, कहाँ के फंस गया, वो उसके नेक में आकर फंस गया. स्टक मीन्स फंस जाना. तो जैसे वो अपने शर्ट को रिमूव कर रही थी उसका जो शर्ट था वो आके उसके नेक में स्टक हो गया. देन व्हाट हैपेंड, शी पुल्ड इट अप ओवर हर हेड विद अ जर्क. अब उसने बिल्कुल जर्क से एकदम से अपने हेड से अपने शर्ट को निकाल के निकाला. क्या क्या उसने, क्योंकि जो उसका शर्ट था वो उसके नेक में क्या हो गया, स्टक हो गया, फंस गया. ऐसे हमारे कपड़े जो हमारे गले में अगर फंस जाते तो हम एकदम से खींच के उसे बाहर निकालते हैं ना, उस तरह से माला ने एकदम से खींच के अपने शर्ट को एकदम से जर्क से अपने शर्ट को अपने नेक से बाहर निकाला. देन व्हाट हैपेंड, एज शी डिड सो समथिंग व्हाइट फेल ऑन द फ्लोर. जैसे उसने अपना शर्ट बाहर निकाला अपने नेक से, हेड से उसने पुल आउट किया उसे, तो उसने क्या देखा कि उसके फ्लोर पे जमीन पे कुछ व्हाइट सा उसको गिरा हुआ देखा. माला मूव्ड हर टंग ओवर टू फील द टूथ. अब माला ने एकदम से अपने टंग को अपने टूथ के पास लेकर उसने फील किया कि उसका जो टूथ है वो अब वहां पे नहीं है, वो वहां से क्या हो गया है, फॉल आउट हो गया है, गिर चुका है. देन देयर वॉज नथिंग, शी स्माइल एट हर मदर, इट वॉज अ ब्रांड न्यू स्माइल. देन माला रियलाइज जो फ्लोर पे वाइट ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है वो क्या है, वो उसका टूथ है. और उसका दांत क्या हो गया, जो उसका टूथ था जो उसे पेन कर रहा था फ्रॉम द लास्ट टू डेज, वो अब क्या हो गया है, गिर चुका है. और अब उसको उस जगह पे बिल्कुल पेन नहीं था. उसने अपनी मदर की तरफ देखा और एक बहुत अच्छी स्माइल दी, क्योंकि अब क्या था, अब उसका वो टूथ वहां पे नहीं था. तो उसकी ये जो स्माइल थी वो कैसी स्माइल थी, एक ब्रांड न्यू स्माइल थी, एक न्यू स्माइल थी विदाउट हर फॉर दैट टूथ विच जो बहुत क्या कर रहा था, उसे पेन कर रहा था. सो ये उसकी जो अब उसने अपनी मदर की तरफ देखा तो उसकी इस तरह से एक स्माइल आई जो उसके एक टूथ के बिना थी. तो ये उसकी कैसी स्माइल थी, एक ब्रांड न्यू स्माइल थी, एक न्यू स्माइल थी. सो ये चैप्टर किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ा हमने, हमने एक ब्रांड न्यू स्माइल, एक नई स्माइल के बारे में पढ़ा. तो ये चैप्टर किसके बारे में है, ये चैप्टर एक लड़की माला के बारे में है जो एक दिन सुबह 7 बजे उठती है और उसको फील होता है कि यार वो अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो गई. तो वो जल्दी जल्दी हरी अप जल्दी जल्दी अपना पूरा काम फिनिश करती है. उसकी मदर उससे बोलती है, बेटा आप जल्दी अपना वर्क फिनिश करो, जितना भी आपका काम है वो काम करो, उसके बाद आप जल्दी ब्रेकफास्ट अपना फिनिश करो, देन आप स्कूल चले जाओ. तो जैसे ही माला थी वो अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए आई, तो उसने क्या देखा कि ब्रेकफास्ट में जैसे उसने टोस्ट का एक बाइट लिया तो वो जोर से रोने लगी. क्यों रोने लगी, क्योंकि उसको क्या हुआ कि उसके टूथ से उसने फेल्ट किया, ऐसे उसने अपनी टंग से फेल्ट किया कि उसके टूथ से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है और उसको वहां पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है. उसने अपनी मदर से कहा, मदर मेरे टूथ से ब्लीडिंग हो रही है और मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है. उसकी मदर ने कहा, प्लीज तुम वरी मत करो, ये टूथ जो है वो अपने आप फॉल हो जाएगा, अपने आप टूट कर गिर जाएगा. तो जो माला थी क्योंकि उसको बहुत पेन हो रहा था तो वो अपने हाथों से उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करती, हिला रही थी किसी तरह से वो टूथ निकल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो टूथ नहीं निकला. फिर क्या हुआ, माला अपने स्कूल गई और स्कूल में उसने अपने फ्रेंड से ही बताया कि उसके टूथ से बहुत ब्लीडिंग हो रहा है और वो बहुत ज्यादा पेन कर रहा है. तो उसके सारे फ्रेंड जो थे वो अलग अलग सजेशन, अलग अलग उसको एडवाइस देने लगे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो. तो वन ऑफ अवर फ्रेंड नेम्ड आलोक, उसका एक फ्रेंड था आलोक, उसने सजेस्ट किया तुम एक स्ट्रिंग लो, एक धागा या फिर तार लो, उसको अपने दांत में बांधो और उससे उसको पुल आउट से खींचने की कोशिश करो, शायद तुम्हारा टूथ निकल आए. देन उसकी एक और फ्रेंड थी नीना, उसने सजेस्ट किया कि तुम कुछ हार्ड चीज च्यू करो, शायद तुम्हारा दांत निकल आए. पर ये सब चीज़ें सुन के माला जो हुई रोने लगी, बोलती नहीं, इन सब चीज़ों को करने से अच्छा है कि मैं आज पूरे दिन ऐसे ही शेकी टूथ के साथ रह लूं. देन स्कूल ओवर हो गया और माला अपने घर वापस आई और घर आते ही उसको इतना पेन था उसके टूथ में कि वो रोते हुए स्कूल यूनिफॉर्म में ही अपने बेड पे जाकर लेट गई. फिर कुछ देर बाद उसकी मदर उसके रूम में आई. उसकी मदर ने उससे बोला कि बेटा अपने कपड़े चेंज कर लो. तो जैसे उसकी मदर ने बोला कपड़े चेंज करो, तो माला ने क्या किया, अपने ड्रेस को चेंज करने लगी. जो उसका स्कूल शर्ट था वो उसके कहाँ पे आके फंस गया, उसके नेक पे आकर फंस गया. फंसने के बाद माला ने बिल्कुल जर्क दे के अपने शर्ट को रिमूव किया अपने हेड से, तो उसने क्या देखा कि फ्लोर पे कुछ व्हाइट सा गिरा हुआ है. क्या देखा उसने कि फ्लोर पे कुछ व्हाइट सब्सटेंस आके नीचे गिरा हुआ है. जैसे उसने देखा कि नीचे कुछ गिरा हुआ है, उसने अपने टंग से फेल किया कि उसका जो टूथ था वो अपनी प्लेस पे नहीं था. जो टूथ उसे बहुत पेन कर रहा था, जो फॉल आउट होने वाला था, शेकी टूथ था, वो क्या हुआ, टूट के आके नीचे फ्लोर पे गिर गया. जैसे उसने देखा कि फ्लोर पे आके गिर गया, उसने अपनी मदर की तरफ देखा और उसने स्माइल किया. तो उसका जो टूथ था वो नीचे गिर चुका था और उसकी जो न्यू स्माइल थी वो कैसी स्माइल थी, ब्रांड न्यू स्माइल थी. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन पोर्शन ऑफ लेसन नंबर 3, अ ब्रांड न्यू स्माइल. इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, वी विल डू द वर्ड मीनिंग ऑफ लेसन नंबर 3, अ ब्रांड न्यू स्माइल. फॉर टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड दिस लेसन at your home.